عليكم peace be unto you وعليكم السلام peace be to you too. दिखलाना चाहते हैं एक वीडियो, तो देखिए मोहतरम नाज़रीन किराम, जिस ग्रुप में आप खादिमैन सेव करना चाहते हैं, सबसे पहले उस ग्रुप में आपको खादिमैन को ऐड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपको खादिमैन ऐड करना हो तो देखिए, जैसा कि ये हमारा मुफ्त ऑनलाइन मकतबा इंडिया, इस नाम पर क्लिक करेंगे, वहाँ जाकर के ग्रुप, इसके बाद देखिए ये जो मेंबर मेंबर है, ये जो प्लस का निशान है, इस पर जाएंगे। यहाँ पर जाकर के यह आपका खादिमाइन मतलब खादिम अव्वल लिखना पड़ेगा। मेरे इस कंप्यूटर पे उर्दू का कीवर्ड नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। तो आप इधर जाकर जो सर्च का बटन आएंगे, वहाँ जा पर के आप जाकर के सर्च करेंगे तो खादिमैन फौरन आ जाएंगे। उस पर क्लिक करते हैं, जैसे कि इस पर टिक लगा हुआ है, इस तरह लगा लेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। तो खैर अभी हम यहाँ से पीछे जाते हैं, हमारे ग्रुप में पहले से खादिमैन सेव किया हुआ है मतलब ऐड किया हुआ है। तो शर्त ये है कि आप पहले उसको ऐड करें, यहाँ जा करके ऐड करने के बाद ये एडमिन में जाकर के उसको एडमिन भी बना दे। एडमिन बनाने के बाद आपका काम होगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐड किया हो, ये जो है इनका नाम लिखा है नुकता, इसका नहीं आ रहा है, खैर मैसेज नहीं मालूम, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो वीडियो में भी दिखा देता हूं किस तरह लिखेंगे नुक्ता को। उसको एडमिन भी बनाना होगा सारे इख्तियारात के साथ, और ना तो आपके ग्रुप में ये खादिमैन काम नहीं करेंगे, ये उनके हवाला है। असल में इसमें और कुछ लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यही जो है ये साहब ही काम ज्यादा करते हैं, तीन चार लोग होंगे। तो इसमें खादिमैन को ऐड करने के बाद उसका जो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे, यहाँ मतलब स्टार्ट कीजिए, समझ लीजिए। तो मैंने पहले ले लिया, तो यहाँ एक मैसेज करके आप हजरत को दिखा देना चाहिए, ये जो स्टार्ट आया है इसको लिख देंगे आप। स्टार्ट आने के बाद यही सारे ऑप्शन जो है आपके सामने नजर आएंगे। तो उसके एडमिन बनाने के बाद आपको सबसे पहले जो है यह भी जाकर के देख सकते हैं ग्रुप कौन से क्या क्या ग्रुप है इस खादिमैन की खिदमत में, सबको आपको दिखा देंगे। तो मेरा ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 ग्रुप इसमें ऐड किया, 6 ग्रुपों में मेरा खादिमैन काम कर रहे हैं। खैर अभी जो है हम ऐड कर रहे थे ये मुफ्त ऑनलाइन मकतबा, इसको इस पर हम जाएंगे, जिस पर आपको ये काम करना है, ग्रुपों में काम लेना है, उस पर जाएंगे। देखिए यहाँ उस ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस नजर आएंगे। इस इंटरफेस में आपको ये करना है, ये देखिए एक्टिव लिखा हुआ है, इसको एक्टिव ही रहने देना होगा। और अगर इसको क्लिक करके इसको इस तरह काट देंगे, मतलब गलत का निशान लग जाएंगे, तो ये आपके ग्रुप में काम नहीं करेंगे। खैर ये हमारे ग्रुप में काम कर रहा है फिलहाल। इस पर जिस पर राइट लगा के रख देंगे वो चीज आपके ग्रुप में नहीं होगा। इसमें सारे का कुछ कुछ काम है, ऑप्शन है, इनको समझने के लिए ये जो है इसको अबाउट देन क्लियर डॉक इस पर क्लिक करेंगे। एक एक करके अगर मैं दिखलाता जाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा इसमें।
मैं आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करना चाहता हूँ, शॉर्टकट में दिखला देना चाहता हूँ। खैर, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये होता है, समझ में नहीं आता है किसी को, मतलब मुझे भी नहीं आया था शुरू शुरू में, तो ये वेलकम मैसेज मतलब इस्तकबालिया कलाम। जब आपके ग्रुप में कोई साथी आ जाए तो उसको इस्तकबालिया कलाम पेश करने के लिए एक मैसेज यहाँ पर रख देना पड़ता है। तो हमारे इसमें शायद पहले से क्या हुआ है, क्या हुआ है देख लीजिए, क्लिक किया हमने, क्लिक करने को थोड़ा रुक जाइए, तो उसके बाद ये मैसेज देंगे कि ये मैसेज अभी सेव किया हुआ है इस्तकबालिया कलाम। तो आप भी अगर नए हैं, किस नए किसी ग्रुप में आप ऐड किया है, तो आपको ये बात लिखना होगा। मिसाल दिया है, भाई मेहमान मजमुआ में खैर मुकदम है, इस तरह आप लिखते जाएंगे। इसके बाद ये स्लैश शेयर इस तरह अगर रख देंगे तो यह शेयर लिखा हुआ आपके ग्रुप में नजर आएंगे। यहाँ पर उसूल, आपको उसूल लिख करके यहाँ पर आपका उसका हाइपर लिंक रख सकते हैं, पढ़िए दे सकते हैं, तारीख लिख देंगे। हमारे इसमें देखिए इस तरह लिखा हुआ है, या तो आप पहले से इस तरह लिख करके डायरेक्ट इसको रिप्लाई कर देने का, यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई करने के बाद वही जो है आपके ग्रुप में आएंगे। तो खैर, हम रिप्लाई भी नहीं करेंगे, पहले से जो सेव किया हुआ है वही रहेगा। तो आपको शायद समझ में आ गए होंगे, अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट करके, वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। खैर, इस तरह यह इसको सेव करते हैं, और इससे काम क्या होता है, फायदा क्या होता है, इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर देखिए, और एक बता गया, ये इसमें भी देंगे, इसमें भी देखिए वेलकम दो मैसेज दो लिखा हुआ है इसमें, तो दोनों में वही लिंक को आप डाल देंगे, जो तहरीर आपने कॉपी किया है उसको डाल देंगे। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है मैसेज लिमिट, इसमें लिमिट भी कर सकते हैं आप चाहे तो। अभी जो है फिलहाल ऐसे सेट कर रहता है कि कोई एडमिन के अलावा इस ग्रुप में कुछ भी डाल नहीं सकते हैं, डालते ही फौरन उसको डिलीट कर देंगे, ये खादिमाइन जो है उसको फौरन डिलीट मार देंगे सवाए एडमिन के। तो इसमें जाकर के आप लिमिट भी इंतखाब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे ग्रुप में अभी फिलहाल जो है जीरो मतलब इजाजत बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है मसलन 5 या 20, मेरा ये सिफर से स्टार्ट होता है, इसके कारण होने के लिए मैसेज सेव करने की सहूलत हासिल होने होना शर्त है। फिल वक्त देखिए, फिल वक्त 0 से 1 मतलब अभी कोई जो है इस ग्रुप में, ये जो मुफ्त ऑनलाइन मकतबा है इसमें कोई शख्स भी कुछ डाल नहीं पाएंगे, अगर डालेंगे तो उसको फौरन उसको मिटा दे देंगे। देखिए ये किसी ने अभी हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुआ है, ये जो उनका नाम तो इस तरह लिखा हुआ है, तो देखिए महतरम आप आए फजा मुस्कराने लगे, जिंदगी जेर लब गुनगुनाने लगी है। तो खैर इस तरह देखिए हमारा ये पहले से सेव किया हुआ है, तो यही सेव किया हुआ इसमें आ गया है, आप इस तरह अगर सेव कर देंगे तो आएंगे। तो देखिए महतरम नाजरीन किराम, इसका जो है दो खादिम है, एक है खादिम अव्वल, खादिम दूसरा है खादिम सानी। तो खादिम अव्वल को तो आपको ऐड करना ही है, जरूरी है, इसके अगर ऐड नहीं करेंगे, अगर कोई शख्स सिर्फ खादिम सानी को ऐड किया और उसको एडमिन बना दिया, उससे काम चला रहे हैं कुछ दिन के लिए, वो चलेगा, बाद में वो काम उनका मनसूख कर देंगे, मतलब वो काम करना बंद कर देंगे। और खादिम अव्वल अगर होगा, असल में बात यह है कि दोनों को ऐड करके आपके ग्रुप में रखना है, और दोनों को एडमिन भी बनाना है, और दोनों में सेटिंग भी करने का है, तो दोनों को रख लीजिएगा, अच्छा होगा। अगर कोई एक किसी एक को ले लेता है तो सबसे अच्छा होगा कि खादिम अव्वल को आप ले लीजिए, तो उससे भी काम चलाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे।
बजाय खाद में साने के। तो इस तरह आप करेंगे तो चलिए हम अभी खाद में खाद में इसी में है। तो इसमें जो सेटिंग है इसको तो इस्तकबालिया कलाम आप सेव करेंगे। उसके बाद ये जो डेल नोटिफिकेशन, इससे क्या होता है आपके ग्रुप में मिसाल के तौर पर कोई शख्स आता है या जाता है तो उसमें होता है क्या आपका ग्रुप में, तो उसमें लिख क्या हुआ रहता है कि फला लेफ्ट, फला ज्वाइन, इस तरह इसमें लिखा हुआ रहता है। मिसाल के तौर पर हम अभी दिखाना चाहते हैं, ये हमारे ग्रुप में देखिए ये आपका लिंक और उनका हल, ये कौन कौन ज्वाइन हुआ है ये दिखा रहा है। अगर कोई लेट हो जाता है वो भी दिखलाता है। तो ये जो ऑप्शन है इससे क्या होता है, इससे इसको अगर राइट क्लिक करके जैसे कि हमने रख दिया है इसके रख देंगे तो ये होता है कि सिर्फ जो असल मुद्दा है उसको हम दिखा रहे हैं और बाकी बहुत सारे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे वो जो तहरीरी रहता है आपके ग्रुप में निशान के तौर पर वो नहीं रहेगा। इसको राइट क्लिक करके डिलीट डेल रिपीटिशन, इससे क्या होता है इसको रखना ही है जैसे कि मैंने रख दिया हूं। इससे ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने शुरू में कोई किताब रख दिया है फिर उसी किताब को आप रिपीट कर रहे हैं फिर दोबारा डाल रहे हैं तो उसको फौरन जो है ये खादिमैन आपको इत्तला दे देंगे कि आपने इस किताब को पहले डाल चुके हैं, या तो बोलेंगे कि आप यही एक ही किताब बार बार डालते हैं, इस तरह आपको मैसेज आएगा आएंगे खादिमैन की तरफ से। तो इसको राइट कर देने से ये फायदा होता है, जब हमको समझ आता है कि एक किताब ग्रुप में पहले से है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इससे ये होता है। और ये देखिए इसमें जो ये डिलीट फाइल है या और कुछ है, डिलीट ऑडियो है, अगर कोई ऑडियो डल रहा है उसको आबार डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर राइट का निशान लगेगा। इस पर सिर्फ एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली राइट का निशान आ जाएंगे। इसमें बहुत सारा है, फोटो है, फोटो अगर नहीं रखना चाहते तो इस पर क्लिक मार दीजिए, ये राइट का निशान आ जाएंगे। तो इसमें देखिए एक एक करके देखते जाए, वीडियो अगर चाहे तो आप रख सकते हैं, जैसे कि अभी इसमें ये काट का निशान लगा हुआ है, मतलब अभी अगर हमारे इस ग्रुप में मुफ्त ऑनलाइन मुक्तबा में कोई अगर डालना चाहे कोई वीडियो तो डाल सकते हैं। तो हम अगर चाहेंगे कि उसको बंद कर दे तो उस पर इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करते ही उस ग्रुप में जो है कोई शख्स उसमें कुछ नहीं डाल पाएंगे। तो इस तरह ये जो है दूसरा जो है ऑडियो वॉइस, वॉइस का भी ऐसा ही है। तो वॉइस में भी इस तरह राइट का निशान लगा के रख देंगे तो आपका वही होगा, मतलब जो भी कोई शख्स आकर के आपके ग्रुपों में कुछ डालना चाहते हैं वॉइस के जरिए से तो वो डाल नहीं पाएंगे, फौरन जो है ये खादिमाएं जो है आपके खिदमत करना शुरू करेंगे, मतलब उसको डिलीट कर देंगे। तो महतरम नाज़रीन इकराम ये थे आपके कुछ सेटिंग जो है खादिमैन के, खादिमैन के लिए बहुत मैं तो कहता हूँ जितने भी टेलीग्राम की दुनिया में जितने भी बोट चल रहा है सबसे अच्छा बोट यही है। यह और क्या क्या खिदमत करता है, मिसाल के तौर पर अभी अगर कुछ किताब चाहिए आपको, कोई किताब चाहिए तो इसको आपको शुरू में क्या लिखना होगा, प्लस शुरू में लिख दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए तफसीर, तफसीर इस तरह अगर लिख देंगे तो वो किताब भी आपके खिदमत करेंगे, किताब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। देखिएगा अभी थोड़ी देर रुक जाइएगा, वो किताब आपके यहाँ लिंक डाल देंगे और लिंक के जरिए से आप वो किताब हासिल कर सकते हैं। शायद ये हाँ देखिए आ गया, और ये किताब कहाँ कहाँ पे है ये साफ आपको दिखला रहे हैं, ये तफसीर कमाल आई।
इन शराह उर्दू तफसीर जमालाइन, तो इस तरह आप इनसे किताब भी हासिल कर सकते हैं और खादिम सानी से भी इसी तरह आप हासिल कर सकते हैं दोनों से। इससे क्या होता है, जरूरत क्या पड़ते हैं किसी भी ग्रुप या चैनल में, असल में बात यह है कि कभी कभार हम जो है किसी मसरूफियत की वजह से ग्रुपों में रह नहीं पाते हैं, वन नहीं कर पाते हैं, ये टेलीग्राम को वन नहीं करते हैं और इसमें कुछ शरारती लोग आकर के इसमें कुछ डाल देते हैं ग्रुप को खराब करने के लिए। आप लोग जानते हैं जो जो चलाते हैं कि उसमें कुछ कुछ तस्वीर जो है डाल देते हैं जिससे अपने आप को बहुत बुरा लगता है, या तो कोई आकर के मैसेज ना करता है जो आपको खराब लगता है, या तो मतलब जो गैर जरूरी चीज है आपके ग्रुप में डाल रहे हो कोई शख्स है, तो उनसे आप जो है ये इस बोर्ड के जरिए से आप परहेज मतलब उससे बच सकता है। तो इसी वजह से जो है इसको किसी भी ग्रुप में ऐड करना बहुत अच्छा है। इससे जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे इस ग्रुप में ये खादिमन है, जिस ग्रुप में भी हो उसमें भी जाकर के आप अगर इस तरह प्लस के साथ किताब का नाम अगर कोई मेंबर भी देखे तब भी आ जाते हैं। तो खैर इसमें भी हम दाखला देना चाहते हैं, तफसीर लिख देते मारिफुल कुरान लिख देते मारिफुल कुरान। कुरान जैसे कि देखिए इसके लिए शर्त यह है कि यहाँ पर देखिए हमने शुरू में प्लस का निशान रख दिया है, प्लस का निशान रखना जरूरी है, इससे अलावा काफ नहीं होगा। हजार मरतबा लिखेंगे एक मरतबा भी वो रिप्लाई नहीं करेंगे। तो जिस ग्रुप में भी इस तरह खादिमाइन होंगे तो उस ग्रुप में जाकर के कोई साथी अगर इस तरह रख दे तो ये खादिमाइन जो है थोड़ा लेट होता है कभी कभार, कभी कभार फौरन आ जाता है। तो खैर ये देखिए आ गया है, हमने डाल दिया मारिफुल कुरान किस ग्रुप में है, आईडी नंबर दे दिया, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पर ये किताब है उस पर आ गए हैं, ये देखिए मारिफुल कुरान। तो खैर इसमें और भी कुछ बात रह गया है, तो इसको जो ग्रुप को आपको सुपर ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये यहाँ पर जाकर के हमारे ऑप्शन वो नहीं आएंगे इसलिए कि हमने सुपर ग्रुप बना लिया है। तो खैर हमारा ये जो सारे बात आपको बतलाना था ये आ गया है, सुपर ग्रुप बना करके आपके ग्रुप में ये देना होगा। सुपर ग्रुप बनाने का फायदा ये भी होता है कोई शख्स अगर आपके ग्रुप में ना भी आए ना तो आपके ग्रुप के सारे चीज वो देख भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इस ग्रुप में मैं अभी नहीं हूँ, देखिए यह दिखा रहा है ज्वाइन ग्रुप, तो हम अगर ज्वाइन नहीं होंगे उसके बावजूद भी इस ग्रुप से किताब को हासिल कर सकते हैं। सुपर ग्रुप का मतलब यही होता है कि कोई शख्स उसमें ना आए भी वो होता है, और सुपर ग्रुप का फायदा बहुत सारे है। मिसाल के तौर पर ये कोई मैसेज अगर आपको डिलीट करना हो तो उस मैसेज को डिलीट किए बगैर क्या है आपकी तरफ से अगर डिलीट कर देंगे तो वो सब की तरफ से डिलीट होता है, और सुपर ग्रुप ना होने की बजाय अगर आप डिलीट करेंगे तो उसमें ऑप्शन आ जाता है कि सबकी तरफ से आप डिलीट करेंगे या अपनी तरफ से डिलीट करेंगे, तो वो ऑप्शन आता रहता है। जब आप ग्रुप को सुपर में कन्वर्ट कर देंगे तो उसमें वो होता है कि जब भी कोई मैसेज डिलीट करेंगे तो सबकी तरफ से मिट जाता है। सुपर ग्रुप का और भी फायदा है। खैर वीडियो बहुत लंबा हो